सत श्री अकाल जी, आर टी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत करते हैं। तो अज एक बार फिर पहुँचे हैं जी हरिपुर कोलिया मोड़ के लागे, जो कि स्वर्ग पैलेस के बिल्कुल नज़दीक दस्या गया सीगा कि जो मेडिकल कैंपस जो ऑर्गनाइज करवाया जा रहा है जिमी पट्टी जी, पास्टर जिमी पट्टी जी वालों, अते इत्थे ऑर्गनाइज टीम पहुंची है। वो कैंपस जो ऑर्गनाइज कर रहे हैं उन्होंने पूरी टीम पहुंची है, डॉक्टर साहबान पहुंचे हैं, तारीवाल तो जो कि टीम इतने पहुंची है, वक् वक् तरह के टैसट जो है मेडिसिन जो लोगों को वेख्या गया, उन्होंने मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाई गई है डॉक्टर साहब वालों। आओ गलबात करते हैं जो ऑर्गनाइज है ऑर्गेनाइजर ने इस कैंपस दे अते डॉक्टर साहब ना गलबात कर लांगे किस तरह आज दा जो दिन रहा, किन्ने पेशेंट इन्होंने देखे अते किना किना दी किस तरह दी समस्या नूं लै करके पेशेंट इत्थे पहुंचे हैं। आओ गलबात करते हैं रोहित जी जो कि इस कैंपस दे ऑर्गेनाइजर ने। आओ स्वागत करते हैं रोहित जी आर टी न्यूज़ से। ओके सर, धन्यवाद, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर सर जानना चाहवांगे कि अज दा जो कैंपस है किस हद तक सस्ता। ओके सर, धन्यवाद, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर सर जानना चाहवांगे कि अज दा जो कैंपस है किस हद तक सक्सैस रहा अते किन्ने पेशेंट तुसी अज हैंडल कर चुके हो। सर असी अलग अलग थां ते जाके जो है वो कैंप नूं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी। ये साडा कोई 16वां या 17वां कैंप, आई थिंक 17वां कैंप है जो असी इस पिंड हरिपुर दे विच आए हाँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इत्थे लोग जो बहुत सपोर्टिव ने, तो मैं धन्यवाद करदा हाँ पास्टर जिमी पट्टी जी का भी। तो इतने बहुत सारे जो असी पुअर पेशेंट आए तो ज़्यादा सर्वाइकल दे ते ज़्यादा जो सी ओ गला ख़राब, जो अजकल मौसम चल रहा है जिस तरह का गला ख़राब जुकाम ऐहोजे बहुत सारे पेशेंट आए, तो असी उन्होंने ट्रीट किया, उन्होंने मेडिसिन बिल्कुल फ्री दिती गई, उन्होंने टेस्ट भी होए आ जिसे असी ब्लड शुगर है, बहुत सारे लोग ब्लड शुगर लिए भी आए सी, नाल असी उन्होंने टाइफाइड के टेस्ट भी होए आ, कुछ वीकली पॉजिटिव आए सी, ते नाल जो सी उन्होंने एच पी वी टेस्ट होए आ, तो सानू भी अच्छा लगा इतने आके, तो असी धन्नवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिन्हें द्वारा असी इस स्थान पर उपस्थित हाँ। सो जानने की कोशिश करांगे सर, सानू दस दो कि तुहाडा जिहड़ा कैंपस है ये इस तरह ही चलते रहते हैं, अगला जो कैंपस की जिहड़ी है तुहाडी मुहिम है या तुहाडी जिहड़ी प्लैनिंग है वो किस तरह है, थोड़ा चानना पाओ। सर असी अलग अलग थां ते बॉर्डर एरिए दे विच खास तौर पर असी कैंप लगा रहे हाँ जिथे बहुत ही पिछड़े लोग ने जिन्हों को मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, असी उन्हां को जाके उन्होंने दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, जिस तरह मैं तुहानू रिपीट किया सी जिस तरह क्या है वह सारा कुछ असी कर रहे हैं। नैक्सट साडा कैंप जो है वह असी शहूर पिंड दे विच लाउण जा रहे हैं जो कि होएगा 6 तारीख 6 जनवरी सपटंबर नूं। असी महीने दे विच एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, असी क्रिश्चियन एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री वालों आए हाँ जो कि टोरोंटो दे विच टोरोंटो कैनेडा दे विच काम करती है, जो कि एक चर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारे इन्हां दे प्रोजेक्ट ने, तो उन्होंने एक उन्हां दा ये भी मेडिकल जो है मेडिकल फैसिलिटी का प्रोजेक्ट भी है, तो असी उन्दे नाल जुड़े हुए हाँ, तो असी अलग अलग थां ते जाके बस परमेश्वर दे नाम उच्चा कर रहे हाँ ते लोगों नूं सेवा दे रहे हाँ जी। बहुत धन्यवाद। सो आओ डॉक्टर साहब नाल गल कर लैने आ किस तरह अज पेशेंट देखे ते उन्हां दा की अनुभव रहा अज दे दिन। आओ सर, सर सब तो पहला नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर एरिक है जी। हाँ जी, इत्थे 100 तो वध पेशेंट असीं अटेंड कीते अज जी जी सर। मोस्टली पेशेंट इत्थे सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस है जिन्हां नूं मतलब बैक प्रॉब्लम हुंदी है जी जी, ते बाकी अजकल जिहड़ा मौसम चल रहा उहदे मुताबिक जिहड़े अपर रेस्पिरेटरी इनफेक्शन दे पेशेंट आए साडे कोल उन्हां नूं अटेंड कीता, तो बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा। सर जी जिहड़ा तुहाडा कैंपस ऑर्गेनाइज किया जाता उहदे विच तुसीं जिन्ने भी पेशेंट देखते हो इहदे विच किसे तरह की कोई फीस या कोई चार्ज करते हो किसी को? नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा मेडिसिन फ्री मिलती है, टेस्ट फ्री होंगे, आई चेकअप फ्री होंगी है सारा कुछ। अपने साडे आर टी न्यूज़ चैनल के माध्यम राही लोगों को की संदेश देना चाहोगे? संदेश मतलब यही कि अपना ध्यान रखो, मतलब जो भी अजकल का मौसम हैगा तो बच के रहो, ठीक है ना जी जी, यही है बस। ठीक है, ये जी डॉक्टर साहब जिन्होंने गलबात की है, उन्होंने बहुत ही वधिया संदेश दिता कि अपना जो ध्यान है इस खास करके इस मौसम बदलते मौसम के सानू अपना ध्यान रखना चाहिए। ये संबंध में पास्टर जी जो कि जिमी पट्टी जी ने गलबात कर लें, उन्हों का किस तरह अज का अनुभव रहा, उन्होंने किस तरह का फील हो रहा अपने जो इस चर्च के जो कैंपस ऑर्गेनाइज करवाया उन्होंने एक संस्था वालों। पट्टी जी स्वागत करते हैं जी।
हाँ जी धन्यवाद जी ता पट्टी जी किवें दा तुसी देखदे हो अज जो मैडिकल जो सुविधा मैडिकल कैंप तुहाडे चर्च दे विच लगाया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन वालों सो तुहानू किवें दा फील हो रहा है कि ये समाज सेवा करके तुसी मतलब एक बहुत ही वधिया संदेश दे रहे हो असी तुहाडी जिहड़ी है सलाघना करदे हां इस काम की तुहाडी बहुत तारीफ करदे हां तुहानू मुबारकबाद दिंदे हां इस बात की कि तुसी इस काम नू जिहड़ा है कि बहुत ही प्रचलित कर रहे हो मैडिकल सेवा एक सब तो उच्च सेवा मनी जाती है जो कि आज की दौर दे विच देखे जाए तो बहुत ही महंगे ट्रीटमेंट हो रहे हैं दवाइया की गल की जाए तो बहुत ज़्यादा मार्जिन के विच दवाइया महंगिया बेचिया जा रही हैं बारे तुसी आज एक फ्री कैंप जो अपनी चर्च के विच लगाया है वो बारे दसो किवें दा तुहाडा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी जी बहुत वधिया रहा। तो सब तो पहले असी जीवत परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो जिस परमेश्वर ने यह मौका दिता है क्योंकि यीशु मसीह भी जमीन के उपर आए तो यीशु मसीह भी जो सेवा करते सीगे तो इस तरह ही ये एवेंजलिस्ट मिनिस्ट्री जो टोरंटो कनेडा तो है तो इन्होंने द्वारा जो सानू हेल्प मिली है तो इन्होंने कहा कि तुसी एक कैंप लगाना है तो उन्होंने द्वारा ये साढ़े द्वारा फिर ऑर्गेनाइज किया गया तो ये काफ़ी लोग आए थे तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए गए तो मेडिसिन उन्होंने दिती गई है तो बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं धन्यवाद करदा डॉक्टर साहब उन्होंने पूरी टीम का भी तो सारे का मैं धन्यवाद करता। लोक भलाई का काम तुसी करते ही रहते हो इस संबंध में अगे की कोई थोड़ी जो की सोच है जी पड़ाव है कि इदा दू कमां होर किस तरह देखते हो कि अगे कोई होर भी ऐसी कोई संस्था या जुड़ोगे जेडे कि ऐसा लोक भलाई का काम करते हैं तो लोगों लिए होर की लैके आओगे। हाँ जी हजे तो कुछ नहीं दस सकते हैं कोशिश जरूर करांगे कि अगे जिन्ना भी साढ़े तो बद हो सके तो असी लोग भलाई के काम जो समाज सेवा के काम असी नाल कर सकीए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सानू सिखाया है कि यीशु मसीह ने भी जो समाज भलाई के काम किए हैं तो अगे जो भी प्रभु की इच्छा के मुताबिक जो भी अगे योजना होएगी तो तुहानू दसी जाएगी तो जरूर असी वो सेवा करांगे काम करांगे तो प्रभु के नाम नू महिमा मिलेगी। पास्टर जिमी पट्टी दुनिया अते समाज नू की संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो असं यही देना चाहते हैं समाज के लिए कि देखो प्रभु यीशु मसीह शांति के प्रतीक है तो वो शांति दे लिए आए है तो प्रभु यीशु मसीह कोई मज़हब कोई धर्म बदलन दे लिए नहीं आए तो इस तरह जो असी एक प्रेम नू दर्शा रहे हैं एक मैडिकल कैंप के द्वारा भी कि हर कोई जो जात का है कोई भी है वह हर कोई वो आ सकता है ये जरूर नहीं है कि क्रिश्चना के लिए है सबना के लिए सगा तो ये द्वारा ही संदेश दें कि असी एक प्रेम मुहब्बत को दर्शा रहे हैं। सो यह सी पास्टर जिमी पट्टी जिन्हें चर्च के अज एक कैंपस का जोड़ा प्रोग्राम ज स्थापित किया गया सी जिथे कि बहुत सारे लोगों ने इतने फायदा लिया दवाइया फ्री लिया टैसट वगैरह जहाँ के बिल्कुल ही फ्री होए। पास्टर जिमी जी वालों एक संदेश दिता गया कि साढ़े किसी कम्यूनिटी के नाल कोई भेदभाव नहीं है किसी भी कम्यूनिटी का कोई भी परसन हो इस चीज़ का फायदा लै सकता वो इतने आ सकता। दोस्तों कैमरामैन मनोज के नाल मैं राज आर टी न्यूज़ दीनानगर।